नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। चार दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का तीसरा दिन है। आज शाम को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, इसे संध्या अर्घ भी कहते हैं। उगते सूर्य को अर्घ देने की रीति तो कई व्रतों और त्योहारों में है, लेकिन डूबते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा केवल छठ में ही है। छठ पूजा के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने छठ पूजा की बधाई दी और वायरस का ध्यान रखते हुए त्योहार मनाने की अपील की। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में 14 बारातियों की दर्दनाक मौत हो गई। मामला मानिकपुर थाना के देशराज इनारा का है, जहां बारात से लौट रही बुलेरो कार अनियंत्रित होकर खड़ी ट्रक में जाकर घुस गई। इस भीषण सड़क हादसे में 14 बारातियों की मौत हो गई। इस हादसे का शिकार हुए 14 लोगों में से 6 नाबालिग किशोर और मासूम भी शामिल है। वहीं इस हादसे पर सीएम योगी ने गहरा दुख जताया है और पीड़ितों की मदद के निर्देश दिए हैं। अहमदाबाद में वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि शुक्रवार यानी आज से एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। अहमदाबाद नगर निगम ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। ये नाइट कर्फ्यू निश्चित काल के लिए लगाया गया है। संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने आज से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। दिल्ली में वायरस अपना कहर लगातार बरपा रहा है। 24 घंटे में 7,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में ही महामारी से 98 लोगों की जान चली गई। इस वक्त दिल्ली में 43,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। प्राइवेट अस्पतालों के आईसीयू में 80% बेड वायरस के मरीजों के लिए रिजर्व रखने के फैसले पर अब सख्ती से अमल होगा। प्राइवेट अस्पतालों के नॉन आईसीयू बेड 60% तक रिजर्व रहेंगे। G20 सम्मेलन से पहले सऊदी अरब ने रियाद के नोट पर छपे भारत के गलत मैप को वापस ले लिया है। दरअसल 20 रियाल बैंक नोट पर भारत का गलत मैप छापा गया था, जिसमें अविभाजित जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग दिखाया गया था। भारत ने इस पर आपत्ति जताई थी, इसके बाद नोट को वापस ले लिया गया है। रामपुर से सपा सांसद आजम खान के खिलाफ 2 मुकदमों की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूरी हो गई है। इन मामलों में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और अगले हफ्ते तक फैसला सुनाया जा सकता है। कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के पैन कार्ड और पासपोर्ट से जुड़े मामले में भी फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस सुनीत कुमार की एकल पीठ ने बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को तीसरे चरण का ट्रायल हरियाणा के रोहतक से आज से शुक्रवार से शुरू हो गया है। देश में कुल 25,800 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होना है। पीजे रोहतक के वाइस चांसलर ने कहा कि पहले 200 वॉलंटियर्स को डोज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की 2 डोज होंगी, पहली डोज देने के 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। वाइस चांसलर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि वैक्सीन 90% से ज्यादा कारगर होगी। दिल्ली में सर्द मौसम ने पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार की सुबह दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 10 सालों में नवंबर के न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड है। पहले ही विभाग ने इस बात का अनुमान जताया था कि पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के कारण दिल्ली का तापमान तेजी से नीचे आ सकता है। अहमदाबाद के स्कूलों को 23 तारीख से शुरू करने का फैसला वापस ले लिया गया है। अहमदाबाद में कर्फ्यू लगने और महामारी के केस में बढ़ोतरी होने के बाद अब गुजरात सरकार ने पूरे गुजरात में स्कूल शुरू करने का फैसला टाल दिया है। शिक्षा विभाग ने अपने फैसले को अब वापस ले लिया है। इंडियन सुपर लीग का 7वां चरण शुक्रवार से शुरू हो रहा है। गोवा के बेंबली में दर्शकों के बिना उद्घाटन मैच में एटीके मोहन बागान और केरला ब्लास्टर्स की टीमें आमने सामने होंगी। टूर्नामेंट में कुल 11 टीमें जोर आजमाइश करेंगी। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।